गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये ब्लॉग शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में होगा कि मैं अभी मेहंदी लगाऊंगी एंड अभी मैंने मेहंदी नहीं लगाया है, आज ही मैं मेहंदी लगाने वाली हूं और मेहंदी लगाऊंगी एंड और भी जितने प्रिपरेशन है मैं अभी सारा कर लूंगी, क्योंकि शॉपिंग का प्रिपरेशन तो हम कर चुके हैं। इसमें जो प्रिपरेशन होगा मेरा ज्वेलरी होगा या फिर साड़ी होगा, जो भी हम पहनेंगे लहंगा या साड़ी जो भी मैं चूज करूंगी एंड चूड़ा होगा, ये सब हम सारा एक जगह कर लेंगे तभी हम, क्योंकि कल जो है सवेरे सवेरे पूजा करना होता है तो हम सबसे पहले आज सारा प्रिपरेशन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया था मेहंदी जो मैंने बाय किया था, मेहंदी कौन स्टेप से, इस पर नेम लिखा हुआ है तो मुझे यही मिला था उस दुकान में, मुझे यही मिला था तो मैं इसी को अभी अप्लाई कर मतलब लगाने वाली हूँ अपने हाथों में। और आलता जो है, आलता तो कल लगाएंगे सुबह में, लेकिन ये मेहंदी तो आज ही लगाना पड़ेगा क्योंकि आज जो है हम सारा प्रिपरेशन कर लेंगे तभी जाके कल पूजा कर पाएंगे। और जितने भी प्रिपरेशन है हमारे, जितने फ्रूट्स सब हैं सभी को हम धो लेंगे सुबह में, जितने पूजा करने से पहले सारा चीज़ें धो लेंगे हम, धो कर ही सारा चीज़ें लेकर जाना है हमें। जो हमने बास्केट लिया था डलिया, जो हमने डलिया लिया था उसी में डलिया को भी अच्छी तरीके से धोने के बाद ही उसमें जितने फ्रूट्स हो गया या फिर जितने श्रृंगार के सामान हो गया सभी तक को धोना है तभी आप रखिएगा उसमें। तो चलिए अभी हम मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि मेहंदी लगाते लगाते आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। तो मेहंदी का डिज़ाइन मैं क्या दिखाऊं मुझे खुद भी नहीं पता है मैं मेहंदी का डिज़ाइन क्या लगाने वाली हूं, लेकिन देखती हूं किस टाइप का मैं डिज़ाइन लगाती हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेहंदी लगाना। गाइज मैं इतना मेहंदी लगा चुकी हूँ अभी आप देख सकते हैं, और अभी तो और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी तो मेहंदी मैंने बस वन हैंड में मैं इतना हाफ लगाई, हाफ बचा हुआ है अभी आप देख सकते हैं, तो हाफ में भी लगाने वाली हूँ। कल मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैंने क्या चूज किया है वो मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, इस मेहंदी का डिज़ाइन जो पूरा मैं अप्लाई कर लूँगी तभी मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि अभी मैं क्या दिखाऊँ और ये डिज़ाइन वैसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं। तो मैं जब पूरा अप्लाई कर लूँगी तो आपके आपको मैं दिखा दूँगी पूरा हैंड का। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग पे। मैंने मेहंदी लगा लिया है फाइनली, मतलब वन हैंड में मैंने लगा लिया है और मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊँ। तो इस टाइप से मैंने मेहंदी लगा लिया है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने बोथ साइड लगा लिया है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ तभी आपको समझ में आएगा किस टाइप का डिज़ाइन है। बस सिंपल सा मैंने डिज़ाइन कुछ भी बना लिया है, बस फाइनली लग गया है मेरा इस एंड में। अब मैं जाती इसको अभी सूखने देती हूँ, फिर तब तक मैं दूसरा काम कुछ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है मतलब कुछ कुछ प्रिपरेशन कर इसको सूखने देते हैं, उसके बाद जो है कुछ कुछ प्रिपरेशन जो भी हमारा है बाकी उसको हम कर लेते हैं। तो चलिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ मेरा मेहंदी डिजाइन। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने मेहंदी लगा लिया है, बहुत ही कम लगाया है क्योंकि पूरा हाथ में लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इतना मैंने लगा लिया है, तो इसीलिए मैंने इतना ही लगाया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये है मेरा मेहंदी डिजाइन। मेरा मेहंदी अब देख सकते हैं उखड़ने लगा, पूरा ड्राई हो गया है, तो मैं इसे अब जो है छुड़ा लूँगी और रिमूव करने के लिए मैं इस पर सरसों तेल लगाऊँगी जिससे कि उससे कलर भी अच्छा आता है। तो यही है मेरा मेहंदी, और मैं थोड़ा बहुत राइट हैंड में भी जो बन पाएगा मेरे से मैं लगा लूँगी। और ये तो हो गया, तो इन दोनों में से मैं देखती हूँ क्या पहनती हूँ सुबह में, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं लहंगा पहनूँ या साड़ी पहनूँ, तो देखती हूँ मैं क्या पहनती हूँ इस दोनों में से ही, बट ट्राई पहनूँगी जो पहनना है। इस दोनों को ही मैंने रेडी करके रखा है, इसी को मैं पहनना है हमें। डलिया भी भर लिया है, आप देख सकते हैं पूरा मेरा रेडी है यहाँ पर, मैं जितने भी हैं श्रृंगार का सामान मैं इसमें रख ली हूँ अच्छी तरीके से, और यहाँ देख सकते हैं सारा श्रृंगार का सामान मेरा इसी में है, और इधर जितने भी सिंदूर हैं वो मैं सारा रख ली हूँ, और जो भी पूजा में चढ़ाने के लिए है
ये कच्चा धागा हो गया, कलावा हो गया, सारा चीज़ें मैंने इसमें रख लिया है, सिंदूर सब। और वहाँ पर दीपक भी जलाएंगे, सो दीपक नया दीप हमने ले लिया है, घी ले लिया है, जो घी का दीपक ही जलाते हैं। तो ये पूरा बास्केट में भर जाएगा अभी, क्योंकि इसमें फ्रूट भी रखना है। आप देख सकते हैं जितने तरह का फ्रूट अवेलेबल है आप ले सकते हो, मीन्स 5-6 तरीके का, 5 तरह के फ्रूट तो ज़रूर रहना चाहिए। तो मैंने ले लिया है, जो भी आपका सीजनल फ्रूट मिल रहा है वो आप ले सकते हो। और यहाँ पर जो है इसका जो है इम्पॉर्टेंट काम है, तो क्योंकि इसी से हमें हवा करना होता है, तो ये हमने ले लिया है जो कि बांस का पंखा इसको बोलते हैं। तो ये हो गया रेडी, और सुबह के लिए मैंने रेडी कर लिया है, बस इसको हमें धोना है, तो ये मैं सुबह में ही धोऊंगी। और बाकी मैंने बास्केट में जो रखना है मैंने सारा चीज़ रख लिया है, और कुछ कुछ अभी याद आ रहा है तो मैं रख ले रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा इसलिए। सो गाइज, अभी हो रहा है 8:30 टाइम, और मैं मेहंदी तो बहुत पहले लगा चुकी थी, और ये देख सकती बिल्कुल ड्राई होके बिल्कुल मेरा निकल भी रहा है, देख सकते हैं। और इसमें अभी मैं इसे रिमूव कर ही लूँगी, क्योंकि अब रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो मैं इसे क्या करूँगी ना, इसे सरसों तेल से लगा कर जो है इसे रिमूव कर लूँगी, जिससे ईजी वे में आपका निकल जाता है। तो यही करूँगी। इस हैंड में, राइट हैंड में मैंने अभी नहीं लगाया है, राइट हैंड में नहीं लगाया है, तो वो मैं अभी 8:30 बज रहा है रात में, मैं सोचूंगी थोड़ा बहुत लगा लूँगी दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जो हो पाएगा। तो और यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर साड़ी रखी हुई हूँ चूज करने के लिए, तो मैंने आपको दिखाया है कि ये दोनों में से देखती हूँ मैं क्या पहनती हूँ। अभी थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, तो दोनों में से जो होगा वो पहनने का पहन लूँगी। और मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि आप वर्षावित्री का रियल मेकअप लुक भी दिखाना, तो पता नहीं रियल मेकअप लुक मैं दिखा पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, क्योंकि सुबह में होता है ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश वैसे करूँगी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आया है, तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर मैं फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। तो देखती हूँ अगर हो पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए मेकअप लुक और भी अच्छे से ढेर सारी ले आऊँगी। तो चलिए ब्लॉग को मैं आई थिंक मैं यहीं पर ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने बस मेहंदी और मेरा जितना भी है प्रिपरेशन जो है मेरा साड़ी चूड़ा जो भी है सब हो चुका है, और ज्वेलरी सब तो मैं सुबह में ही सिलेक्ट करके पहनूंगी। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ, वट सावित्री पूजा के साथ। और आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग मेरा पसंद आता होगा, छोटा सा ब्लॉग अगर पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर किया कीजिए, और मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताए कीजिए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है, तो मैं और भी अच्छे अच्छे आपके लिए ब्लॉग लाऊंगी। सो गाइस मेक श्योर लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और भी आप लोग किस टाइप के ब्लॉग देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए उस टाइप के ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही मैं छोटे छोटे रील बनाते रहती हूँ, कुछ कुछ अपडेट मैं देती रहती हूँ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। इंस्टाग्राम का मैंशन आई डी यहाँ पर मैं आई डी मैंशन कर दूँगी, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। वैसे मेरा kumari.sanju.946 है इंस्टाग्राम आईडी, सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा अगर आप जाइएगा मेरे अकाउंट पे। तो सो गाइस मेरे चैनल पे आपको जो है बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, मीन्स हॉल वीडियो मिलेंगे, मेकअप के वीडियो मिलेंगे, ब्यूटी फैशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग तो बहुत कम बनाती हूँ, रेयरली मीन्स ओकेजनली ही बनाती हूँ, बहुत ब्लॉग नहीं बराबर ही बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास जो है मेरा वीडियो जो है हॉल वीडियो एंड फैशन ब्यूटी इसके रिलेटेड वीडियो, मेकअप के रिलेटेड वीडियो बहुत सारे मेरे चैनल में मिल जाएंगे, सो उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहीं पर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक अच्छे ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय एंड गाइस हैप्पी वर्ष सावित्री सभी को, हैप्पी वर्ष सावित्री पूजा सभी को।